दिस इज डॉक्टर सचिन गोस्वामी एंड आई वेलकम यू ऑन आर यूट्यूब क्लासेस गोस्वामी क्लासेस। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको डिटेक्टिव और हिस्टोरिकल नॉवल पढ़ाने वाला हूं और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी सीरीज़ है मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 जिसका मोटो है आपको सफलता दिलाना। और इस सीरीज़ में सबसे पहले लिटरेरी टर्म्स कराए जा रहे हैं जिसका आज 19वां दिन है और इस सीरीज़ में मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और सारे राइटर्स भी कवर कराने वाला हूँ ताकि आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाए और आपको इधर उधर कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। और इस क्लास में सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं मैं एक छोटा सा रिविज़न करा रहा हूँ आपको डेली। तो नॉवल क्या होता है, किसको कहते हैं, मैंने आपको बताया था नॉवल इज़ एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग। प्रोज राइटिंग की एक एक्सटेंडेड फॉर्म होती है नॉवल और नॉवल जो है एक नैरेटिव टेल होती है प्रोज में। नॉवल वर्ड आया कहाँ से, इटालियन वर्ड नोवला से आया जिसका मतलब न्यू होता है। अब लिटरेरी टर्म में नॉवलिटी और नोवला क्या होता है, लिटरेरी टर्म में अगर जो हम नॉवलिटी की बात करें तो एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें अराउंड 15,000 वर्ड्स होते हैं, इसको ब्रीफ या शॉर्ट नॉवल भी कहा जाता है। नोवला की बात करें तो एक प्रोज फिक्शन होता है जो कि लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी होता है, इसमें अराउंड 30,000 वर्ड्स होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों टाइप्स ऑफ नॉवल्स की बात करें तो पिकारेस्क नॉवल, गॉथिक नॉवल, स्पेस फिक्शन, साइंस फिक्शन, एपिस्टोलरी नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, रीजनल नॉवल, रियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल और डिटेक्टिव नॉवल्स, ये नॉवल्स के मेन टाइप्स होते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पिकारेस्क नॉवल। तो पिकारेस्क नॉवल क्या होता है, एक पिकारो की कहानी होती है, माने कि समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो कि समाज के द्वारा सताया गया है, जिसका शोषण किया गया है, उसकी कहानी होती है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता रहता है और जहाँ भी वो जाता है वो शोषण का शिकार बनता है और अंत में हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये जो पिकारेस्क नॉवल है उसमें लो क्लास को और जो अपर क्लास के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, जस्ट लाइक रीजनल नॉवल्स, उसकी तरह इसमें भी इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है, उस चीज़ को दर्शाया जाता है। इसके साथ साथ ये कॉमेडी और सटायर से डील करती है जो पिकारेस्क नॉवल की कहानी है। और इसमें एपिसोड्स होते हैं, छोटे छोटे एपिसोड्स होते हैं, उनमें बटी हुई ये कहानी होती है। अब इसमें थॉमस नेस का द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, डैनियल डिफॉय का द फॉर्चून एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ फेमस मॉल फ्लैंडर और हेनरी फील्डिंग का हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स आता है, चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर्स, मार्क ट्वेन का एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन और मुल्कराज आनंद का कुली और आर के नारायण के गाइड, ये फेमस एग्जाम्पल है पिकारेस्क नॉवल के। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था गॉथिक नॉवल। गॉथिक नॉवल इसको आप समझ लेना जो भूत प्रेतों की कहानियाँ होती हैं, नॉवल ऑफ वंडर, नॉवल ऑफ टेरर, नॉवल ऑफ हॉरर, ये इसके अलग अलग नाम हैं। इसमें सस्पेंस होता है, इसमें मिस्ट्री होती है, इसमें रोमांस होता है, इसमें एक भयानक दृश्य को दिखाया जाता है, इसमें अंधेरी गुफाओं को दर्शाया जाता है, इसमें जो महल होते हैं पुराने उनको दर्शाया जाता है, पुराने किले या पुराने घरों को दर्शाया जाता है, सुपरनेचुरल मशीनरी से डील करता है जो गॉथिक नॉवल होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रीजनल नॉवल की। तो रीजनल नॉवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र की कहानी होती है जिसमें एक निश्चित क्षेत्र के वहाँ के कल्चर, वहाँ की ट्रेडिशंस, वहाँ की वैल्यूज़, उन सभी को दर्शाया जाता है और एक कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश दिखाया जाता है लो क्लास सोसाइटी और अपर क्लास सोसाइटी में रीजनल नॉवल्स में। और इसके साथ साथ वो जो पर्टिकुलर रीजन है उसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को भी ये प्रस्तुत करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जो स्कॉटिश नॉवलिस्ट जॉन गाल्ट हैं और सर वॉल्टर स्कॉट हैं वो भी इन्फ्लुएंस्ड हैं किससे, रीजनलिज्म से। और इसमें सब्जेक्ट ऑफ लव होता है जो कि फेट एंड चांस के साथ डील करता है। थॉमस हार्डी का वेसेक्स, विलियम फॉकनर का योकान वटवापहा और इसके अलावा आर के नारायण का मालगुडी, ये फेमस रीजनल प्लेसेस हैं। इसके बाद हम आते हैं साइंस फिक्शन पर। साइंस फिक्शन क्या है, साइंस फिक्शन एक स्पेकुलेटिव फिक्शन होता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा अनुमान ज़्यादा लगाए जाते हैं लेकिन फैक्ट को कम दर्शाया जाता है। इसमें इमेजिनेटिव और फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया जाता है, टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया जाता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम को प्रस्तुत किया जाता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि जो दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोग हैं उनके जीवन को इसमें दर्शाया जाता है। इसको लिटरेचर ऑफ आइडियाज़ के रूप में भी इसको जाना जाता है। ये साइंटिफिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और साइंस फिक्शन में जो है कुछ एस्पेक्ट एंशियंट माइथोलॉजी के, जैसे कि फैंटेसी, हॉरर और कॉन्सेप्ट और सुपर हीरो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी इसके अंदर दिए हुए होते हैं। एच जी वेल्स जो हैं वो फेमस साइंस फिक्शन राइटर माने जाते हैं इंग्लिश में और उनको शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है, एच जी वेल्स को। द टाइम मशीन, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियो, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स, ये फेमस साइंस फिक्शन है एच जी वेल्स के।
इनके जो साइंस फिक्शंस हैं वो एलियंस की लाइफ पर, बायोलॉजिकल इंजीनियर्स, इनविजिबिलिटी और टाइम ट्रेवल पर डिपेंड करते हैं। एच जी वेल्स, रॉबर्ट हेनलिन, आर्थर सी क्लार्क, फ्रैंक हार्बर्ट, विलियम गिब्सन, ये फेमस साइंस फिक्शन राइटर्स हैं हमारे इंग्लिश में। इसके बाद स्पेस फिक्शन। स्पेस फिक्शन दोस्तों साइंस फिक्शन का ही एक जैनर है, उसका ही एक पार्ट है। इसमें ये कंटेम्प्रेरी स्पेस टेक्नोलॉजी से डील करता है, बाकी सारे फीचर्स इसके वैसे ही होते हैं जैसे कि साइंस के होते हैं। स्पेस फिक्शन जो है वो ओपेरा से भी, स्पेस ओपेरा से डील करता है। स्पेस ओपेरा क्या होता है? स्पेस ओपेरा ऐसा एडवेंचर साइंस फिक्शन होता है जिसको आउटर स्पेस या फिर डिस्टेंट प्लैनेट में जिसकी सेटिंग की जाती है। शिकस्त एक नॉवल है, स्पेस नॉवल है जो कि डॉरिस लेसिंग ने लिखा है। एच जी वेल्स का द वॉर ऑफ द वर्ड्स जो है वो एक फेमस नॉवल है जो कि स्पेस नॉवल के अंतर्गत आता है। और एक हिंदी मूवी कोई मिल गया, ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस फिक्शन पर बेस्ड है। हाइपीरियन डैम सिमंस का फेमस स्पेस फिक्शन है। ये पूर्ण रूप से जो स्पेस फिक्शन होता है ये इमेजिनेशन का पार्ट होता है, इसमें पूरी हाई इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया को भी रिप्रेजेंट करता हुआ प्रतीत होता है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था एपिस्टोलरी नॉवल। एपिस्टोलरी नॉवल क्या होता है? एक सीरीज होती है लेटर्स की जो एपिस्टोलरी नॉवल होता है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स वो सबको, सब चीज़ों को ये कवर करता है, स्पेशली लेटर्स को कवर करता है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पर्सनल थिंग्स होते हैं जैसे कि डायरी राइटिंग हम करते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स करते हैं और जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको भी इसमें लिया जाता है। और आज के सिनेरियो में जो सोशल मीडिया राइटिंग है जैसे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग, ब्लॉग्स, पोस्ट और ईमेल, इनको भी यूज़ किया जाता है एपिस्टोलरी नॉवल के सोर्स के रूप में, इनको भी यूज़ किया जाता है। जो ये वर्ड है एपिस्टोलरी, ये कहाँ से आया? ये लेटिन वर्ड एपिस्टल से आया जिसका मतलब एक लेटर होता है। जर्मन में एपिस्टोलरी नॉवल को ब्रीफ रोमैन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रियलिज्म ज़्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ये लेखक की जो अंदरूनी फीलिंग होती हैं, जो इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो फिक्शनल एडिटर होता है। और एपिस्टोलरी नॉवल की बात करें तो तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोफोनिक, डायलॉजिक और इसके अलावा पॉलीफोनिक। मोनोफोनिक की बात करें तो जिसमें एक कैरेक्टर होता है, डायलॉजिक में दो कैरेक्टर्स होते हैं और पॉलीफोनिक में तीन या चार कैरेक्टर्स होते हैं। लव लेटर्स बिटवीन नोबलमैन एंड हिज सिस्टर्स पब्लिश्ड एनोनिमसली इन थ्री वॉल्यूम्स इज सपोज टू बी द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल। इसको फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल कहा जाता है। भाई बहन याद रख लेना, भाई बहन का फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल है। इसके राइटर एफ्रा बेन को क्लेम किया जाता है लेकिन इस पर डिस्प्यूट है। इसके बाद जेम्स हॉल जो हैं इनको फाउंडर माना जाता है एपिस्टोलरी नॉवल का इंग्लिश में। और इनका जो फेमस कलेक्शन है फैमिली लेटर्स वो डील करता है सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन से, फॉरेन एडवेंचर से और लव ऑफ वीमेन से। सैमुअल रिचार्डसन का पामेला और क्लैरिसा इसके फेमस एग्जाम्पल माने जाते हैं एपिस्टोलरी नॉवल के 18th सेंचुरी में। अब इसके बाद अगर जो हम बात करें दोस्तों हिस्टोरिकल नॉवल की, कि हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है, आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल नॉवल और डिटेक्टिव नॉवल, ये मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। रिवीजन आपका अच्छा हो गया, अगर रिवीजन अच्छा हो गया और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। हिस्टोरिकल नॉवल क्या होता है दोस्तों? एक लिटरेरी जैनर है इन विच सेटिंग इज एसोसिएटेड विद द पास्ट इवेंट्स बट अ फिक्शनल टच इज गिवन टू इट। इसमें क्या होता है, पास्ट के इवेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है लेकिन एक फिक्शनल टच देके। पुरानी चीजों को तो हम दर्शा रहे हैं लेकिन एक काल्पनिक टच उसमें दे दिया गया है। इट पेज अ स्पेशल अटेंशन टू द मैनर्स, सोशल कंडीशंस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द मेंशन पीरियड। इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल अटेंशन फोकस करता है किस पर? मैनर्स पर, सोशल कंडीशंस पर और उस टाइम की, जिस टाइम का हम हिस्टोरिकल नॉवल लिख रहे हैं उसकी कंडीशन को ये दर्शाता है, उस समय की कंडीशन को। इट फॉलोज एन अल्टरनेट हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल फैंटेसी। दोस्तों एक अल्टरनेट हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। अल्टरनेट हिस्ट्री क्या? अल्टरनेट हिस्ट्री का मतलब एक ऐसी हिस्ट्री जिसके साथ छेड़खानी की गई है, ऐसी हिस्ट्री जिसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए राइटर ने उसमें इधर उधर कर दिया है। अब आप देखते होंगे जब कोई मूवी लगती है हिस्टोरिकल बेस्ड, चाहे वो कोई भी मूवी हो, चाहे वो झांसी की रानी के बारे में हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हो या अकबर के बारे में हो, किसी के बारे में हो, तो उस पर कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लोग जो है मारने पर भी उतर आते हैं, इवन सिनेमाघरों में तोड़फोड़ कर देते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इतिहास के साथ उसमें छेड़खानी की जाती है उसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इसमें अल्टरनेटिव हिस्ट्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, हिस्टोरिकल फैंटेसी को दिखाया जाता है और स्पेकुलेटिव और हिस्टोरिकल फैक्ट्स इनटू नॉवल। गैस यहाँ पर भी अनुमान और तुक्कों से ज्यादा चीजें चलती हैं, कहने का मतलब फैक्ट्स पर कम जोर देते हैं, कम प्रेशर दिया जाता है और इसके साथ साथ जो इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है।
फोकस ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन आर जनरली क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी. इनको क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. हिस्टोरिकल फिक्शन को अक्सर क्रिटिसाइज्ड किया जाता है लोगों के द्वारा. क्यों? क्योंकि इसमें लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी होती है, ऑथेंटिसिटी कम है. क्यों? क्योंकि इसको एंटरटेनिंग बनाने के लिए इतिहास के साथ छेड़खानी होती है. बिकॉज ऑफ रीडर्स एक्सपेक्टेशंस फॉर एक्यूरेट पीरियड डिटेल्स. क्योंकि रीडर क्या एक्सपेक्ट करता है, रीडर एक्सपेक्ट करता है कि हमें एक्यूरेट डेफिनेशन मिलेगी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी उस पीरियड के बारे में, लेकिन नहीं मिल पाती. इसके बाद दिस टेंशन बिटवीन हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन फ्रीक्वेंटली बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कमेंट फॉर रीडर्स एंड पॉपुलर क्रिटिक्स. While scholarly criticism frequently goes beyond the commentary and investigating the genre for its other thematic and critical interest. इसका क्या होता है दोस्तों, ये जो टेंशन है, जो हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी की जो टेंशन है, ये रीडर्स के लिए कमेंट का विषय बन जाती है, क्रिटिसाइज का विषय बन जाती है. और इसके अलावा जो क्रिटिसिज्म है वो तो काफ़ी ही अलग चले जाते हैं इस बात को लेकर. अगर जो हम बात करें हिस्टोरिकल फिक्शन की, हिस्टोरिकल फिक्शन इज ए कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न लिटरेरी जेनर विच हैज़ इट्स फाउंडेशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी विद द वर्क्स ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट. अगर जो इंग्लिश में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है, इसकी एक फाउंडेशन हमें देखने को मिलती है, तो वो स्पेशली 19th सेंचुरी में आती है वॉल्टर स्कॉट के वर्क्स के साथ. और वॉल्टर स्कॉट जिनको फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स के रूप में जाना जाता है. द राइटर एंगेज द रीडर्स इन हिस्ट्री इन ए यूनिक वे टू मेक द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग. जो लेखक है वो अपने रीडर्स को एक इतिहास में उलझाकर रखता है और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कहानी को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए. कॉन्फ्लिक्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ नॉवेल्स. और जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट कैसा दोस्तों, एक्सटर्नल जिसमें युद्ध दर्शाया जाता है, इंटरनल जो आंतरिक होता है, तो दोनों तरह का जो षड्यंत्र चलता रहता है दिमाग में, मैं इसके लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये जाल बनाऊंगा, तो वो सारी चीजें जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सटर्नल जो बाह्य युद्ध है, वो दोनों पार्ट होते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल्स के. सर वॉल्टर स्कॉट इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल. दोस्तों सर वॉल्टर स्कॉट को फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल के रूप में जाना जाता है. सर वॉल्टर स्कॉट्स वेवरली एंड इवानहो, लियो टॉल्स्टॉयज वार एंड पीस एंड अ टेल ऑफ टू सिटीज बाय चार्ल्स डिकिंस आर फेमस एग्जांपल्स ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स. सर वॉल्टर स्कॉट का वेवरली और इवानहो, लियो टॉल्स्टॉयज का वार एंड पीस, और इसके अलावा चार्ल्स डिकिंस का ए टेल ऑफ टू सिटीज, ये फेमस एग्जांपल है किसके, हिस्टोरिकल नॉवेल्स के. उम्मीद है आपको हिस्टोरिकल नॉवेल्स समझ में आया होगा. इसके बाद हम बात करते हैं डिटेक्टिव नॉवेल की, जासूसी वाले उपन्यास. भाई जासूसी वाले उपन्यास, आप क्राइम पेट्रोल अगर जो आप सोनी पर देखते हो, सावधान इंडिया अगर जो आप टेलीविजन पर देखते हो, तो आपको फिर इसके फीचर्स बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वही तो फीचर्स हैं इसके भी. तो डिटेक्टिव नॉवल क्या होता है, ये स्टोरी ऑफ क्राइम होती है. इट डील्स विद द स्टोरी ऑफ क्राइम. द स्टोरी मूव्स अराउंड द इन्वेस्टिगेशन. और जो स्टोरी है वो इन्वेस्टिगेशन के चारों तरफ मूव करती है. जनरली द कल्प्रिट इज रिवील्ड एंड समटाइम्स सस्पेंस इज लेफ्ट बिहाइंड द फैक्ट. अधिकतर क्या होता है कहानी में, जो दोषी होता है वो पकड़ा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कहानी अधूरी सी रह जाती है, यही नहीं पता चलता कि हुआ क्या इसमें हुआ क्या और कौन था इसका दोषी, तो वो एक सस्पेंस छोड़ दिया जाता है. और वो सस्पेंस इस वजह से भी छोड़ दिया जा सकता है कि आगे वो सीरीज लाना चाहते हो उसकी, तो इस वे में सस्पेंस को छोड़ दिया जाता है. इट डील्स विद द परफेक्ट क्राइम, द रोंगली एक्यूज, सस्पिशन, कनिंग पुलिस एंड CID. इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं दोस्तों, एक तो परफेक्शन ऑफ क्राइम हमें देखने को मिलेगा, एक ऐसा सस्पिशन देखने को मिलेगा, मतलब जो जिस पर शक किया जा रहा है और जिस बेचारे ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन उस पर शक की सुई घूमती है पुलिस और CID की, और कनिंग पुलिस और CID भी हमें इसमें देखने को मिलती हैं. इट हाईलाइट्स द सुपीरियरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड विट ऑफ डिटेक्टिव. दोस्तों ये किस चीज को हाईलाइट करती है, ये सुपीरियरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन को, किस तरह से बारीकियों से चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है, और जो इंटेलेक्चुअल पावर है डिटेक्टिव की, उसको भी रिप्रेजेंट करती है इसकी कहानी, डिटेक्टिव नॉवल की कहानी. सस्पेंस, मिस्ट्री एंड क्लाइमैक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टाइप ऑफ नॉवल. जो सस्पेंस है, मिस्ट्री है और क्लाइमैक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, डिटेक्टिव नॉवेल्स में. म्यूजिक इज एडेड फॉर द स्पेशल चार्म. और एक स्पेशल चार्म के लिए इसमें किसको ऐड किया जाता है, म्यूजिक को ऐड कर लिया जाता है. लव, रोमांस, बैटरे एंड ऑनर किलिंग आर द मेन सब्जेक्ट ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स. दोस्तों इसकी थीम, इसके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्रेम,
लव, रोमांस, बैटरे, विश्वासघात और ऑनर किलिंग जो होती है जब अपना ही अपने को मार डालता है, तो ये मेन सब्जेक्ट्स होते हैं किसके, डिटेक्टिव नॉवल के। द फर्स्ट डिटेक्टिव स्टोरी इज द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग रिटन बाय एडगर एलन पो, पब्लिश्ड इन अप्रैल 1841। दोस्तों पहली डिटेक्टिव स्टोरी कौन सी रही है, ये रही है द मर्डर्स इन रू मॉर्ग। ये रिटन किसके द्वारा है, ये है एडगर एलन पो की लिखी गई कहानी जो कि पब्लिश हुई अप्रैल 1841 में पब्लिश हुई थी। इसके साथ साथ शर्लॉक होम्स बाय आर्थर कॉनन डॉयल, शर्लॉक होम्स जो है ये कहानी है, द स्टोरी ऑफ शर्लॉक होम्स आपने सुनी होगी, हो सकता है पढ़ी भी हो, एक जासूस के रूप में शर्लॉक होम्स को दर्शाया गया है और इसका ही एक सीक्वल टाइप कह लें या फिर इसकी इमिटेशन कह लें ब्योमकेश बख्शी भी हमारे इंडिया में बना था। तो शर्लॉक होम्स बाय आर्थर कॉनन डॉयल इज द मोस्ट फेमस डिटेक्टिव नॉवल इन इंग्लिश, ये मोस्ट फेमस डिटेक्टिव नॉवल है इंग्लिश में। उम्मीद है कि आज की जो मैंने आपको पढ़ाए हिस्टोरिकल नॉवल्स और डिटेक्टिव नॉवल्स, कल मैं आपको फिर से इन्हें रिवाइज भी करवा दूंगा और अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे, एक बार वीडियो को और सुन लेना और परफेक्शन के साथ तैयार हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप हमारी जो पेड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो पेड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इस समय स्पेशल ऑफर में मिल रही हैं, केवल 1000 रुपये में पूरा जो कोर्स है वो मिल रहा है पेड रिकॉर्डेड क्लासेस का। अगर जो आप उसे लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055215 पर। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे नोट्स, वन लाइनर नोट्स जो कि बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए तैयार किए गए हैं, उन्हें परचेस करना चाहते हैं तो वो भी परचेस कर सकते हैं केवल 2000 रुपये में। और दोनों चीज एक साथ लेते हैं तो 2500 रुपये में आपको ये पूरा पैकेज मिल जाएगा। और मैं यही चाहता हूं कि जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो आप एक कंप्लीट पैकेज के साथ चलें ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल ऐसी हो जाए कि आप किसी भी तरह से जो है एग्जाम क्रैक कर ही लेंगे। मतलब अगर जो आपने इनसे तैयार कर लिया ना, तो फिर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं होगी और निश्चित रूप से आपका एग्जाम ये क्रैक होगा। तो दोस्तों अगर जो आप इस सीरीज का पार्ट बनना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मतलब जो पेड क्लासेस और नोट्स से, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।